क्या हूँ ढेंचा की खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यहाँ पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि भविष्य में भी आपको खेती किसानी से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। ढेंचा की खेती दलहनी फसल के रूप में की जाती है। किसान भाई इसकी खेती हरी खाद और बीज दोनों के लिए करते हैं। ढेंचा के हरे पौधों से तैयार की गई खाद खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है जिसके खेत की पैदावार बढ़ती है। आपको बता दें कि ढेंचा का पौधा 10 से 15 फीट तक की ऊंचाई का होता है और इसकी खेती करने के लिए किसी खास जलवायु की जरूरत नहीं पड़ती। इसके पौधे कम और ज़्यादा बारिश में भी आसानी से विकास कर लेते हैं। यदि आप हरी खाद के उद्देश्य से ढेंचा की खेती करते हैं तो आप इसको हल्की से हल्की मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप दाना उत्पादन के लिए इसकी खेती कर रहे हैं तो इसको आप काली या चिकनी मिट्टी में लगाएं जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिल सके। आइए आप बात कर लेते हैं जलवायु और तापमान की। ढेंचा की खेती के लिए किसी खास जलवायु की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी उत्तम पैदावार लेने के लिए इसे खरीफ मौसम में यानी जून महीने में ही लगाया जाना चाहिए। इसके पौधे पर अधिक गर्मी या सर्दी का कोई असर नहीं पड़ता और इसके पौधे को बारिश की सामान्यतः जरूरत पड़ती है। आइए बात कर लेते हैं ढेंचा की खेती के लिए उन्नत किस्मों की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पंजाबी ढेंचा 1, हिसार ढेंचा 1, CSD 137, CSD 123 और पंत ढेंचा 1। ढेंचा की बुआई का उपयुक्त समय, यदि आप इसको हरी खाद के उद्देश्य से लगाते हैं तो इसको गेहूं कटाई के तुरंत बाद यानी अप्रैल महीने में लगाया जाना चाहिए। और यदि आप इसकी खेती कमर्शियल लेवल पर करते हैं, दाना उत्पादन हेतु कर रहे हैं, तो इसको मानसून शुरू होने के बाद यानी जून महीने में ढेंचा की फसल लगानी चाहिए। इसके लिए प्रति एकड़ लगभग 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त रहता है। बुआई के दौरान लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। हरी खाद के उद्देश्य से ढेंचा लगाने पर आप छिटकवा विधि से भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। इसके लिए 10 से 15 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से छिंटा लगाकर उसमें रोटावेटर या कल्टीवेटर इत्यादि से ज़मीन में मिला दें और ऊपर सिंचाई कर दें। आइए अब बात कर लेते हैं ढेंचा की फसल को कितनी सिंचाई या पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, बीज अंकुरण होने के बाद लगभग पहला पानी 20 से 22 दिन बाद दें और उसके बाद लगभग एक महीने के अंतराल पर दो और सिंचाई आपको करनी चाहिए। और यदि आप इसकी खेती हरी खाद के तौर पे कर रहे हैं तो फूल आने के बाद इसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। और यदि आप कमर्शियल लेवल पे दाना उत्पादन हेतु इसकी खेती करते हैं तो किसान भाई ध्यान रखें, फूल आने समय और फलियां बनते समय या फलियों में दाना बनते समय इस दौरान पानी कभी भी मिस नहीं करें, अन्यथा पैदावार कम हो सकती है। आइए बात करते हैं फसल की कटाई और कढ़ाई कब करें। ढेंचा के पौधे बीज रोपाई के लगभग 130 से 150 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पौधे जब सुनहरी पीले रंग के दिखाई दें तब इसकी फलियों की शाखाओं को काट लिया जाता है और इसके बाकी बचे भाग को किसान भाई उखाड़ कर ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। इसकी फलियों को कुछ दिन तेज़ धूप में सुखाकर मशीन की सहायता से बीज निकाल लेते हैं और इसके बाद बीजों को बाज़ार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ढेंचा की फसल से पैदावार और लाभ की बात करें तो ढेंचा की विभिन्न किस्मों की औसतन पैदावार 25 टन के आसपास होती है, जिससे बीजों को बाज़ार में बेचकर किसान भाई अच्छी खासी कमाई ले सकते हैं। ढेंचा के बीज की कीमत की बात करें तो वर्तमान में इसकी कीमत 42 रुपये प्रति किलो से लेकर 70 रुपये प्रति किलो के बीच में बिक रही है। तो इस दौरान किसान भाई यदि ढेंचा की व्यावसायिक स्तर पर खेती करते हैं तो हरी खाद के साथ साथ आप अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। और ढेंचा की फसल यदि आप लगाते हैं तो भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ता है, जिससे ज़मीन की पैदावार देने की क्षमता यानी उपजाऊपन बढ़ेगा। और यदि आप हरी खाद के लिए इसको लगाते हैं तो किसान भाई ध्यान रखें, पुष्पांश अवस्था आने पर यानी फ्लोरिंग स्टेज के बाद इसको खेत में मिलाना जरूरी होता है, अन्यथा इसका भूमि पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है ढेंचा की खेती से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक लाइक व शेयर जरूर करें। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट शंका या सवाल है, आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, खेती किसानी से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य में भी आपको खेती किसानी से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।